आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास शो नगर संग्राम। तो यूपी में निकाय चुनाव की तारीखें काफी नजदीक आ चुकी हैं, ऐसे में तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अब लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का समर्थन मांगने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी टीम भी लगातार हर एक वार्ड में पहुंच रही है, हर एक वार्ड का पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में नगर संग्राम में अनुज गुप्ता जॉनी से हम खास बातचीत करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 2023 के निकाय चुनाव को लेकर उनकी रणनीति क्या है और क्या कुछ रणनीति के तहत वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। अनुज गुप्ता 10 साल से समाज सेवी रहे हैं और वही गरीबों के मसीहा के रूप में भी जाने जाते हैं। तो नगर पालिका परिषद छिबरामऊ कन्नौज से वो अपनी दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो वही नगर निकाय चुनाव की तारीखें काफी नजदीक आ चुकी हैं और ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी है वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का समर्थन मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी बीच हमारे साथ मौजूद है अनुज गुप्ता जॉनी, अध्यक्ष पद प्रत्याशी है, निर्दलीय के तौर पर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। सर, पहले तो मैं प्राइम टीवी पर आपका बहुत स्वागत करती हूँ। जी अनुज जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अनुज जी, पहले तो मैं प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी अनुज जी, जब मैं आपके बारे में देख रही थी या मैं अपने संवाददाता से जानने का प्रयास कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि आप लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं और एक जाना माना चेहरा है, तो मैं चाहूंगी कि आप पहले अपना परिचय खुद हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम अनुज गुप्ता है, मैं नगर पालिका परिषद छिबरामऊ डिस्ट्रिक्ट कन्नौज का निवासी हूँ। नगर पालिका परिषद छिबरामऊ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहा हूँ। ठीक है, आप 10 साल से समाज सेवी भी रहे हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सुनते हैं, उनको सुलझाने का भी प्रयास करते हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि वहाँ की मुख्य चुनौतियां क्या क्या रही है या वहाँ की जनता की परेशानियां क्या रही है? मैं जब बाजार में छिबरामऊ में निकलता हूँ तो जनता की समस्याएं सबसे पहले ये है कि छिबरामऊ में एक पूर्वी बाईपास से पश्चिमी बाईपास तक मेन रोड है जहां पर व्यापारियों की हजम खाने बनी हुई है, तो उस रोड पर कोई भी सुलभ शौचालय बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है और जो भी रोडें बनाई हुई हैं पिछले कार्यकाल में वो बिल्कुल जर्जर हालत की बनी हुई है और निम्न स्तर की बनी हुई है। जी, इसको देखकर मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नगर पालिका परिषद छिबरामऊ में उतर रहा हूँ। ठीक है अनुज जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपने जब जनता की परेशानियों को देखा तब आपने सोचा कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन आप एक लंबे अरसे से समाज सेवी रहे हैं, तो और क्या कुछ वजह रही कि आपने राजनीति में आने का मन बनाया? मैंने ये देखा कि अपने नगर में जितने भी पूर्व चेयरमैन रहे हैं जी, उन्होंने नगर के विकास के लिए कुछ नहीं सोचा, मतलब जो भी कार्य कराए तो बहुत ही निम्न स्तर के कराए, नगर में पानी की कोई व्यवस्था हो, पानी की टंकी का हो, पानी की टंकी बनी हुई है पश्चिमी बाईपास पर तो बंद पड़ी हुई है और नगर में पानी की व्यवस्था बहुत खराब है, सफाई की व्यवस्था भी नहीं है। इन सबको देखकर, लोगों के दुखों को देखकर मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच आया हूं और जनता का आशीर्वाद भी चाहता हूं। ठीक है अनुज गुप्ता जी, जाहिर सी बात है कि जब भी कोई राजनीति में उतरता है तो वो किसी नेता को अपना आदर्श मानता है, तो क्या आपका भी कोई नेता आदर्श रहा है? जी अनुज जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है। जी अनुज जी, मेरा सवाल ये था कि जब भी कोई राजनीति में आता है तो वो किसी ना किसी को अपना आदर्श या रोल मॉडल मानता है, तो जब आपने तय किया कि आप जनता की सेवा करेंगे तो क्या आपने भी किसी को रोल मॉडल माना? बिल्कुल बिल्कुल माना, मैंने देखा कि हमारे समाज के नंदी जी, तो हमारे यहाँ
आवाज आ रही है। जी अनुज जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ मनोज जी से दोबारा। मैं जी जी अनुज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल माना, मैंने देखा कि हमारे समाज के नंद गोपाल गुप्ता विराजमान है और वो दोनों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है अनुज जी, तो आप लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की समस्याओं को हेलो, जानने का काम करते हैं, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन महिलाओं के क्या कुछ प्रमुख समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? बोलिए। जी अनुज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग नए सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। उन सीसीटीवी कैमरों को नगर के त्राए चौराहों पर लगाने का कार्य हम लोग करेंगे। जी अनुज जी, तो महिलाओं की सुरक्षा का तो मुद्दा कहीं ना कहीं आपके लिए प्राथमिकता बना हुआ है, लेकिन अभी भी जो स्कूली बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, कहीं पे स्कूल की हालत बेहाल है, कहीं पे स्कूल जर्जर है, तो कहीं जो शिक्षक है वो ही गायब रहते हैं। तो ऐसे में आप बच्चों को स्कूल भेजने के लिए क्या कुछ अभियान चलाएंगे या किस तरीके से बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वो स्कूल जाएं? जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, गरीब तबके के हैं, जी मैं चाहूंगा और कोशिश पूरा प्रयास करूंगा कि उन बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने का कार्य करूं। ठीक है अनुज जी, ये विकास का बीड़ा तो आपने उठाया है कि आप अगर चुनाव जीतते हैं तो आप जनता का समर्थन अगर आपको मिलता है, और अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप जनता के बीच हर एक समय रहेंगे, और आप जब अभी जब प्रचार के लिए जनता के बीच पहुंचते हैं तो किस तरीके से आपको जनता का समर्थन मिलता है? जिससे उन बच्चों को भी ठीक है अनुज जी, मैं दोबारा आपसे संपर्क साधने का प्रयास करूंगी, लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, और गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं अनुज गुप्ता, क्योंकि अभी हम नगर पालिका परिषद छिबरामऊ से प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे अनुज गुप्ता जॉनी से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो जब जनता के बीच पहुंचते हैं, जनता की समस्याओं को देखते हैं, और वहां के विकास का काम किस तरीके से किया गया है, जब उसकी तस्वीरों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो उससे बहुत आहत होते हैं, क्योंकि जिस जगह पर वो पले हैं, जो जिस जगह पर वो बड़े हुए हैं, जिस जगह पर वो तकरीबन 10 सालों से समाज की सेवा करते आ रहे हैं, आखिर उनका वही क्षेत्र विकास से अछूता है। यही वजह है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और अपने दावेदारी को ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम नगर संग्राम में अनुज गुप्ता जॉनी से लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अगर उनके व्यक्तित्व पर एक नजर डालें तो गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं अनुज गुप्ता। जी अनुज जी वापस हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज जी, मेरा सवाल आपसे यह था कि आप जिस क्षेत्र से हैं वहीं वहीं पर आप पले हैं, वहीं पर आप बड़े हुए हैं, और वहीं पर आप लगातार समाज सेवा का काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप विकास से अछूती तस्वीरों को देखते हैं तो आप कितने परेशान होते हैं या कितने आहत होते हैं? मैं जब नगर में काशीराम कॉलोनी गया, जी लोगों से संपर्क किया तो वहां की गंदगी देखकर, वहां की व्यवस्था को देखकर मुझे बहुत ही आहत हुआ। मुझे ये लगा कि नगर पालिका में जो भी चेयरमैन पूर्व में रहे, उन्होंने नगर के विकास के लिए कोई कार्य ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपना ही विकास करने का सोचा, नगर के लिए कोई भी उन लोगों ने कोई तैयारी नहीं की, कोई विजन नहीं बनाया कि नगर में किस तरह से कार्य किया जाए जिससे हमारा नगर सुंदर नगर बने। मेरी यह सोच है कि हमारा छिबरामऊ नगर
कन्नौज जिले में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में सुंदरता के नाम पर जाना जाए। ठीक है अनुज जी, अभी आपने जिक्र किया कि जो भी पहले विजय प्रत्याशी थे या जो भी पहले जिसको पहले जनता चुनती थी उनका कोई विजन नहीं था, लेकिन आप किस किस विजन को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, आपका विजन क्या है? मैं हमारा विजन ये है नगर पालिका में, नगर पालिका को मुझे कमीशन मुक्त बनाना है। नगर में जो भी कार्य हो, उच्च स्तरीय कार्य हो, नगर की रोडे, नगर में एक बहवलपुर पड़ा पर पानी की व्यवस्था, पानी की टंकी नहीं है और काशीराम कॉलोनी में पानी की व्यवस्था नहीं है। लोगों के घर पर जाकर देखता हूँ तो वहां लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर में रात में निकलता हूँ तो वहां सोलर लाइट लगाई हुई है पूर्व लोगों ने, तो वो बहुत ही खराब किसी की लगी हुई है तो उनको देखकर बहुत ही कष्ट होता है। तो मेरा विजन ये है कि उच्च लाइटें और उच्च स्तरीय की रोड बनाई जाए जिससे हमारा नगर सुंदर बने, स्वच्छ बने, नगर में सफाई की व्यवस्था अच्छी रहे। मैं देखता हूँ नगर में कूड़े के ढेर जगह जगह लगे रहते हैं, लोग घर से निकलते हैं तो कूड़े के ढेर तब तक नहीं उठ पाते हैं, लोग 10 बजे निकलते हैं 10 बजे भी ढेर लगे रहते हैं। ठीक है ठीक है, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं और अगर जनता का समर्थन आपको पूर्ण रूप से मिल जाता है तो वो प्रमुख काम कौन कौन से होंगे जो आप जीतने के बाद कराएंगे या जिन पर सबसे ज्यादा फोकस आपका रहेगा? बिल्कुल, जो मेन रोड है पूर्वी बाईपास से पश्चिमी बाईपास तक और लकड़ी मंडी की रोड है, इनकी हालत जर्जर हालत पड़ी हुई है, बिल्कुल टूटी हुई है, 10 वर्ष से इनका कोई निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, बहवलपुर में पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की टंकी नहीं बनी हुई है, उसको बनवाना है। और लोग रोड पे निकलते हैं तो लोगों को बाथरूम करने के लिए बाथरूम नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या नगर की है कि व्यापारियों को बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है, वो कहां पर जाए, दुकान से निकलकर गलियों में जाते हैं जिससे महिलाओं को बाहर निकलकर उनको देखकर शर्म आती है। इसलिए मैं चाहता हूं सबसे पहले नगर में बाथरूम की व्यवस्था की जाए और रोडें सुंदर बनाई जाए। ठीक है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप नगर पालिका का ही चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? क्या आप इससे अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो आगामी बड़े चुनाव हो उसमें जनता आपके साथ रहे? मैं अरे मुझे कोई भी चुनाव नहीं लड़ना था, मैं खाली अपने नगर की ये दशा देखकर कि यहाँ पर कोई भी जो पूर्व चेयरमैन रहे उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया, इसलिए मैंने नगर को सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया, नगर लोगों से संपर्क किया और नगर के लोगों का प्यार देखकर मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय बनाया और मुझे विश्वास है कि नगर के लोगों का साथ मेरे साथ रहेगा और वो सब लोग मुझे देखकर विजय की ओर बढ़ाएंगे जिससे मैं नगर पालिका के कार्य अच्छे से करा सकूं। ठीक है अनुज जी, अब आप आखिरी में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मुझे जनता से अपील है कि वो ऐसे प्रत्याशी को वोट दे जो आपकी बात को सुने और खुद अपना निर्णय नगर के लिए ले सके। ऐसा ना करें कि जो प्रत्याशी को चुन ले कि उसके ऊपर दूसरे का दबाव हो, दूसरे का निर्णय मान हो, अपने निर्णय कोई निर्णय ना ले। ठीक है अनुज, अक्सर लोगों का ये मानना है कि मैं जनता से मांगता हूँ। ठीक है जी जी अनुज जी, मैं जिससे कि मैं नगर का लेकिन उसके बाद उनके जन प्रतिनिधि उनके बीच नहीं आएंगे, तो आप इसके लिए जनता में किस तरीके से विश्वास बनाने का प्रयास करेंगे?
नगर के सभी लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, चाहे रात के 12 बजे भी नगर को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके लिए सामने आने के लिए तैयार हूँ, चाहे जितने खंड उनको जरूरत पड़ेगी मैं उनके सामने आऊंगा और नगर का विकास कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद अनुज गुप्ता जोनी जी हमारे साथ जुड़ते हुए। अपनी जो विकास के मुद्दे हैं वो जनता तक पहुंचाने के लिए और वो जनता के सामने लाने के लिए कि आखिर आपका क्या एजेंडा है, क्या चुनावी मुद्दे हैं जिसे लेकर आप निकाय चुनाव के इस जंग में उतर चुके हैं, क्योंकि निकाय चुनाव में अब महज कुछ ही समय का वक्त बचा है। तो ऐसे में चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो, चाहे वो किसी पार्टी का प्रत्याशी हो, वो अब जनता के बीच जा रहा है और जनता से अपील कर रहा है कि वो उनके पक्ष में वोट दे, क्योंकि अब लगातार निकाय चुनाव कहीं ना कहीं अब यूपी की राजनीति में काफी अहम माना जा है, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले निकाय चुनाव को एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जाता है। तो ऐसे में निकाय चुनाव हर एक पार्टी जीतना चाह रही है, क्योंकि निकाय चुनाव एक बहुत बेसिक चुनाव कहा जाता है जिसका हर एक मोहल्ले से नाता होता है, हर एक वार्ड से ताल्लुक होता है। तो ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले हर एक पार्टी यह भापने का प्रयास कर रही है कि आखिर यूपी में फिजा क्या है, किस पार्टी की फिजा यूपी में है। हमारे आज के खास पेशकश नगर संग्राम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।